जो हमारी वासियों की टीम है वो यहाँ पर देखते हैं कितनी देर में रश हमें देखने के लिए मिलेगा, वेट करेंगे। एंड बाकी के जो उनके दोनों प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं, और कोई प्लेयर्स यहाँ पर छुप कर तो नहीं बैठे हैं। जैसे ही उनको पता चलेगा नहीं है कोई, तो एक अच्छा खासा रश हमें देखने के लिए मिलने वाला है वासियों की तरफ से। यस, वासियों की तरफ से वो रश मिल सकता है। अयान जो है ही इज होल्डिंग हिम राइट नाउ, क्योंकि उन्हें पता है कि समवेयर गैलेक्सी रेसर्स आर ट्राइंग टू इंट्रूड, और अगर इंट्रूड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मे बी दे गेट नॉक। तो राइट नाउ अयान का फर्स्ट पॉइंट ये कि एक प्लेयर को भी नॉक निकाले, देन दे कैन गो फॉर द रश। एंड समवेयर आई एम सीइंग अमन जो है ही इज ट्राइंग टू ग्रेजुअली एंड स्लोली एंटर द स्नाइपर टावर। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मे बी ही कैन गेट सम knock, he can get give some damage. हाथ में SKS है संजीव, तो SKS is already a deadly weapon. जी बिल्कुल, ऐसे डेडली वेपन है, देखते हैं पर अच्छा खासा डैमेज भी देते हैं अगर सामने वाले प्लेयर के पास वेस्ट अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर अमन अभी रश करते हुए मैं देख रहे, क्या अयान की जो स्नाइपर है वो यहाँ पर कमाल कर पाएगी या फिर अमन अपना यहाँ पर काम कर देंगे। देखते हैं पर कौन सा प्लेयर यहाँ पर सबसे पहले A few moments later. पहले नॉक होने वाले स्नाइपर टावर पे जो प्लेयर बैठे हुए, शायद से गलती नहीं करनी चाहिए उनको, क्योंकि देखा जाए तो अमन यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जैसे नॉक हो सकते हैं। यहाँ पर अमन को नॉक कर दिया, बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। देखते हैं यहाँ पर क्या अपने प्लेयर को बचा पाएंगे यहाँ फिर नहीं, दो प्लेयर को नॉक कर दिया। जैसे कि मैंने बोलता अयान फाइनली उन्होंने यहाँ पर अपने स्नाइपर का कमाल दिखा। एंड वासियो अकेले प्लेयर बच्चों अपनी टीम से, तो अभी उनको यहाँ से भागना पड़ेगा एंड अपनी जो पोजिशन है वो यहाँ पर बनानी पड़ेगी। एजेंट्स ऑफ शील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, देखते ही देखते वासियो को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। देखते ही देखते यहाँ पर चार किल्स भी इस टीम ने अपने खाते में निकाल लिया।